नमस्कार। साहित्य के रंग शैलजा के संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में और उनके स्टूडियो में बैठी हुई आज डॉक्टर हरीश नवल जी से बातचीत कर रही हूँ। आपका नवल जी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। नमस्कार, आपका भी स्वागत। आप आई हैं कनाडा से दिल्ली में, आपका ज्यादा स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं अपने मित्रों को ये कहना चाहूंगी कि एक कड़ी में पहले डॉक्टर नवल और डॉक्टर स्नेह सुधा नवल जी के साथ और उनकी पुत्री आस्था नवल जी और आस्था नवल जी के दोनों बच्चों के साथ हिंदी दिवस के अवसर पर स्काइप के माध्यम से मैं कर चुकी हूँ, लेकिन आज मुझे ये अवसर मिला है कि मैं एक व्यंग्यकार और लेखक डॉक्टर हरीश नवल, जो कि मेरे भी गुरु रहे हैं, मास्टर्स में मुझे नाटक पढ़ाया, और ये हर बार कहते हुए मुझे बेहद खुशी होती है सर, क्योंकि नाटक से जो मेरा जुड़ाव है वो आप ही के कारण, आपके पढ़ाने के कारण हुआ। आपकी प्रतिभा है शैलजा, आप इतना काम कर रही हैं नाटक के क्षेत्र में, कनाडा में आपने उसको पुनर्जीवित किया है। सर, आप लोगों का आशीर्वाद है। तो मैं उस लेखक के साथ बैठी हूँ जिसकी इतनी सारी किताबें हैं। आप लोग ये मेज पर किताबें देख सकते होंगे, मेरे को लगता है कि दो चार किताबें और कहीं छूट गई होंगी, और खास तौर से जो संग्रहों में आई, जो पत्र पत्रिकाओं में जो लेख छपे हैं वो तो अनंत ही होंगे। हाँ, वो जो अन्य में आई है उनकी संख्या तो 82 है, और जो लेख वगैरह है वो दुनिया भर की कई पत्रिकाओं में, जहाँ जहाँ हिंदी है। तो जी जी जी। तो सर, पहले तो जो मेरी एक विद्यार्थी के रूप में और बालक बुद्धि जो मेरी है, जो उत्सुक है, और मेरे ख्याल में हमारे पाठक भी और श्रोता भी और दर्शक भी, देखने के लिए सुनने वाले लोग ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि इतनी सारी किताबें आपने लिखी, तो कैसे तो समय पाया, कहाँ से ऊर्जा आई, कहाँ से ये एक प्रेरणा रही कि जो इतना सारा कुछ आप लिखते चले गए, और वो भी नौकरी के साथ, हिंदू कॉलेज में आप पढ़ाते थे तो वहाँ। शैलजा जी, तो संकल्प की बात होती है, और दूसरा ये आपका टाइम मैनेजमेंट है। हम हमेशा समय का रोना रोते हैं, पर हमारे पास समय बहुत होता है। ईश्वर ने जो हमको काम करने के लिए 8-10 घंटे दिए हैं, उस 8-10 घंटे में से अगर हम 1 घंटा भी लेखन करें रोज, और मान लीजिए सप्ताह में 2 दिन छुट्टी भी करें, तब भी हम बहुत सारे ग्रंथों की रचना कर सकते हैं। एक दिन में अगर हम 10 पृष्ठ लिखें तो हम पता नहीं कितने पृष्ठ लिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे अग्रजों ने, हमारे साथियों ने, बल्कि हमारे कई अनुजों ने भी बहुत बहुत लिखा है। तो बहुत लिखना बहुत गुणवत्ता का सूचक है, कोई जरूरी नहीं है। और दूसरी बात है शैलजा, मैं 1962 से 16 साल की उम्र से लिख रहा हूँ, और आज मैं 73 वर्ष का हूँ। जी भी तो सोचिए ना कि कितना बड़ा, 50 साल से ज्यादा हो गए मुझे लिखते हुए, तो इसलिए उसके हिसाब से तो ज्यादा नहीं है, कम है। कम है सर। और ये आपकी अभी नई किताब आई है, छोटे पर्दे का लेखन। जी 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 जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी है किताब। और सर, आपकी जो प्रतिभा है बहुमुखी, निस्संदेह गगनांचल के आप संपादन भी आप भी कर रहे हैं, जो कि अंतरराष्ट्रीय पत्रिका है, और ICCR के माध्यम से, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के माध्यम से निकलती है जी। और आप मुख्यतः व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध हुए, लेकिन आप सिने जगत में भी उतने ही प्रसिद्ध हुए। आपने अनेक सीरियल्स और फिल्मों की जो पटकथा कथा लेखन किया है, और ये छोटे पर्दे का लेखन अब एक सबको दिशा देते हुए, तो कैसे आप व्यंग्य से सिनेमा की यात्रा के बारे में आप अपनी कुछ बताएं? असल में क्या है शैलजा जी, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कहानी तो मैं बचपन से ही लिखता था, और मेरे दादाजी बताते हैं कि जब रात होती थी तो हमसे कहा करते थे कि दादाजी बताओ किस पर कहानी सुनाओ। अच्छा। जहाँ बच्चे ये कहते थे कि दादाजी मुझे कहानी सुनाओ या नाना जी कहानी सुनाओ, तो उल्टे मैं नाना से, दादी सबसे पूछता था किस पर सुनाओ। तो फिर जैसे उन्होंने कहा चिड़िया पर सुनाओ, तो मैं कल्पना करके चिड़िया पर कहानी सुनाता था, हाथी पर सुना, जिस पर भी बोलते थे। तो फिर वो मैं करता था। जब मैं स्कूल में गया तो स्कूल में मेरी नाट्य प्रतिभा पता नहीं मुझमें कहाँ थी, वो हमारे एक अध्यापक थे जिन्होंने उसको छीन लिया। वो क्लास में कभी वो रीडिंग करवाते थे मुझसे कि भाई तुम आओ और जना खड़े होकर पढ़ो, तो मैं पढ़ता था। तो पढ़ते समय हो सकता है उन्होंने क्या चीज ऐसी उनको लगी कि शायद ये संवाद अच्छे बोल सकता है, ऐसा मुझे बाद में लगा। तो उन्होंने मुझे नाटकों में हिस्सा देना शुरू किया जी। और मेरे सामने एक आदर्श अभिनेता थे मेरे स्कूल में,
मेरे जो सीनियर थे कुलभूषण खरबंदा, अच्छा तो एक, अच्छा एक, वो आपके हाँ मेरे सीनियर थे स्कूल में ही थे, मैं छोटी क्लास में था, वो बड़ी क्लास में थे, बल्कि उस समय उनसे ज्यादा ऐसे मिलना भी नहीं हुआ, पर मैं इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ कि वो बहुत ख्याति प्राप्त तब भी थे और उन्हें एक बड़ा प्राइज पुरस्कार मिला था दिल्ली राज्य की प्रतियोगिता का नाट्य का, अच्छा। जो उसके बाद मेरे स्कूल से मुझे मिला, वाह तो दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में बहुत बहुत बढ़िया खबर ये तो। हाँ तो मैं उसमें फिर नाटक करने लगा, स्कूल टाइम में 10-11 नाटक में हिस्सा लिया, कॉम्पिटिशन में 3-4 अच्छे पुरस्कार प्राप्त हुए, और फिर जब मैं कॉलेज में आया, जिस कॉलेज से मैं रिटायर हुआ हिंदू कॉलेज में, जी, तो वहां आकर के हिंदुस्तानी ड्रामेटिक सोसाइटी थी जी, तो वहां भी फिर हमने रजनीगंधा, लाल कनेर, अच्छा, और मोहन राकेश के एकांकियां, इन सबको किया, और मैं फिर वोकेशनल कॉलेज में अध्यापक बना, तो वहां की थिएटर सभा मुझे दी गई, तो वहां भी हमने नाटक किए, स्टीफेंस कॉलेज में भी डायरेक्शन की, तो समझिए कि एक लगाव नाटक से था। और फिर मैं सक्रिय रंगमंच में भी गया, जो हमारी संस्था थी, रवि वासवानी जो प्रसिद्ध हाँ। अभिनेता भी हैं और जी। प्रोफेसर भी अब नहीं रहे, मैं उनको दुखद है, उनको स्मरण करते हुए कह रहा हूँ कि उन्होंने नॉन ग्रुप नाम से एक बनाया था जी। उसमें ये हेमंत केजर भी थे, राजा बुंदेला भी थे, अच्छा। ऐसे प्रख्यात नाम थे, तो मैं भी उसमें था और मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में भी मैंने उसमें काम किया जी। तो मोबाइल क्रश वगैरह करते थे। फिर जब डॉक्टर लाल का एक नाटक करना था तो मुझे रवि ने कहा कि एक भूमिका तुम करो, तो मुझे लगा कि ये लंबे लंबे डायलॉग याद करने वाले सब तो क्योंकि उस समय तक मैं कहानियां लिखने लगा था और विश्वविद्यालय स्तर पर मुझे सर्वश्रेष्ठ कहानीकार का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका था मिरांडा हाउस की एक उसमें। सर पता चल रहा है कि व्यंगकार के साथ में कहानीकार जो कहना भूल गए थे, आपने मुझे अच्छा याद हाँ, दिलाया जी। नहीं वो मैं व्यंग भी ज्यादातर उसमें भी कहानी ही होती है, व्यंग कथा हाँ, मैं ज्यादा उस ढंग से लिखता हूँ जी, जी, जी। तो वो उसमें भी पुरस्कार मिला था, तो मुझे ये लगा कि नाटक में एक तो उस समय परिवार में भी लोग इतनी इजाजत नहीं देते थे कि शाम तक रात रात भर तक आप जाकर के रिहर्सल करो और लेट आओ। सर आपको भी नहीं देते थे, हमें भी नहीं देते थे। हाँ नहीं देते थे, हमारा टाइम तो तुम्हारे से ही पहले का था ना। नहीं पर लड़कों को तो इजाजत हो जाती थी ना, नहीं, होती थी, पर वो कहते थे कि हर हालत में 6 बजे तक घर आओ, वहाँ 6 बजे उनकी दुनिया शुरू होती थी जी, जी। फिर क्या होता था कि वो धूम्रपान और फिर और चीजें भी वहाँ चलती थी जो मेरे परिवार में नहीं थे, मैंने भी कभी ऐसा नहीं सेवन किया था, तो मुझे ये लगा कि इससे अच्छा घर बैठ करके लिखो, क्योंकि मेरे दादाजी शायर थे आजम जलालाबादी नाम से, वो लिखते थे उर्दू में, मेरे पिताजी जो है वो अंग्रेजी में लिखते थे, अच्छा। तो मेरे लिए हिंदी बच गई थी तो मैंने कहा मैं हिंदी में ही मेरा जी, सब जी, चलता था जी। तो चूंकि मेरे पिता तो बहुत जल्दी गुजर गए, वो तो 32 साल की आयु में चले गए थे, दादाजी जरूर 94 वर्ष की अवस्था तक रहे, 1989 तक हमारे साथ जी। तो बस ये समझिए कि कुछ जो लेखन विरासत से मिला होगा वो प्रतिभा जागीर, मुझे लगा कि लेखन जो है नाटक करने से, मैं तुलना नहीं कर रहा, मुझे अपने लिए लगा कि मेरे लिए ज्यादा मुफीद है जी, जी। तो मैंने फिर नाटक से सक्रिय रंगमंच से अपना छोड़ दिया। स्कूल कॉलेजेस वगैरह में तो जैसे आप सभा होती तो उसमें आप अगर परामर्श जाते हैं तो आपको बहुत उतना नहीं करना पड़ता, आप तो बाहर से भी डायरेक्टर बुलाकर करा सकते हैं, जैसे हमने हिंदू कॉलेज में अभिरंग नाम से एक ग्रुप बनाया, तो उसमें जितनी मंच परिकल्पना वगैरह होती थी मैं सिद्धांत की बात करता था, तो अरविंद गौड़ जो है उनका बुलाता था, वो अच्छा, की बात करते अच्छा, थे। अच्छा। तो ऐसा नहीं बहुत ही। और सर मैं ये देख रही हूँ कि आपने बच्चों की किताबें भी लिखी हैं, मैं ये खास तौर से बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत से बड़े लेखक जो है उनके बारे में मुझे नहीं पता, मतलब कि उन्होंने भी कोई बच्चों की किताब लिखी, और आजकल हम लोग बच्चों के लिए हिंदी लाने की बात कर रहे हैं, तो व्यंगकार के बारे में तो अभी बात करेंगे हमने, जैसे सिने और नाटक के। सर ये बताएं कि वीरगढ़ के वीर और आधी छुट्टी की घुट्टी, हाँ, जो ये, आपने ये किताबें लिखी, ये जो मैंने किताबें लिखी जिनमें से एक वाणी प्रकाशन के लिए और एक नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए जी, और जो नेशनल बुक ट्रस्ट वाली वो अन्य कई भाषाओं में अनुदित भी हुई है। अच्छा वीरगढ़ की भी, अच्छा ये इन दोनों पुस्तकों में बच्चों को और प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से जो लोग पढ़ते हैं
उनको कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश की है जी। एक में तो पर्यावरण की रक्षा के बारे में है जी, और जी। एक में जो है वो मादक पदार्थों को सेवन से दूर रहने की बात उठाई है जी, जी। तो कथा के माध्यम से दोनों चीजें दी हैं और मुझे बड़ा इस बात का संतोष है। इस पर बहुत से बच्चों के पत्र भी मेरे पास आए। अच्छा। उनके नाम जब गया वाणी प्रकाशन के पास या एक बार नेशनल बुक ट्रस्ट, उन्होंने मुझे कुछ चिट्ठियां दी जी। और फिर उनसे जरा संपर्क हुआ तो मेरे पास भी चिट्ठी आने लगी। अभी तक भी कोई कोई चिट्ठी आ जाती है। तो सर अच्छा, ये बाल साहित्य कम लिखा जा रहा है और हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई बच्चों को, अगली पीढ़ी को हम हिंदी कैसे सौंपेंगे, उसके बारे में आप, आपके क्या विचार हैं? नहीं देखिए, हर चीज अपने परिवार से शुरू होती है। अध्यापक तो हमें बाद में मिलते हैं, पर पहले माता पिता के रूप में ही, या अगर संयुक्त परिवार तो दादा दादी के रूप में हमें गुरु मिलते हैं। यदि हम जिस पीढ़ी में हैं तो हमें अपने परिवार के बच्चों को हिंदी के प्रति जागरूक करना चाहिए कि जब हम उसका सम्मान करेंगे तो बच्चे भी सम्मान करना सीख जाएंगे। पर यदि हम सम्मान नहीं कर रहे और हम उसको उपेक्षणीय दृष्टि से देखते हैं तो बच्चों में भी स्वाभाविक कि वो बात आएगी जी। तो आजकल क्या हो रहा है कि हम अपनी माँ का सम्मान करें ना करें, दूसरे की माँ का सम्मान करने बड़े आतुर रहते हैं जी। तो भाषा तो माँ के समान है, अगर मैं मेरी माँ का सम्मान नहीं करूंगा तो दूसरा भी नहीं करेगा। तो पहले तो हमें बच्चों को यही समझाना है। तो हिंदी तो तभी उसके मन में आएगी, हिंदी क्या कोई भी भाषा। अब जैसे कोई भी दूसरी भाषा भी जब बच्चा बोलता है तो इसीलिए बोल पाता है कि उसके माता पिता सजग रहते हैं उसको उस भाषा को सिखाने में जी। वो बंगला भी हो सकती है, अंग्रेजी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है जी जी। तो सर पत्रिकाओं के माध्यम से, क्योंकि आप गगनांचल का भी संपादन कर रहे हैं, क्या वहाँ पे भी बाल साहित्य या युवा साहित्य के लिए कुछ ऐसे प्रयास आप लोगों के माध्यम से हो पा रहे हैं? ऐसा है कि गगनांचल में हमने बाल साहित्य के लिए बहुत विशेष प्रयास अभी नहीं किया, क्योंकि उसका जो कलेवर, आप तो हमारी लेखिका भी है तो आप जानते कि उसमें साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, अध्यात्म, इस तरह की जो विषय रहते हैं, तो उसमें उसकी जो भाषा है, क्योंकि जब हम बाल लेखन करते हैं तो उसकी भाषा अपेक्षाकृत थोड़ी सरल रखी जाती है, सुगम जी, जो बोध गम में हो। बिल्कुल सही। और जो साहित्यिक भाषा है उसमें जरा तत्सम शब्दावली का प्रयोग बाहुल्य होता है, तथा उसमें हम लोग तुलनात्मक अध्ययन वगैरह भी करते हैं, तो अध्ययन की भाषा और पढ़ने की भाषा में अंतर हो जाता है। सही बात है। तो उसमें हाँ ये हमने जरूर किया। जैसे हमने जब मैं 3 साल से गगनांचल देख रहा हूँ, तो जब हमने 70 साल आजादी के हुए थे तो उस विशेष अंक निकाला था जी। और उस अंक में हमने ध्यान रखा कि हम देखेंगे बाल साहित्य भी कहाँ पहुंचा, तो उस पर हमने बाल साहित्य पर एक वृहत लेख दिया था जी, जी, और जी। जैसा आपने कहा तो जरूर मैं समझता हूँ हमको ये भी करना चाहिए कि हम किस प्रकार से बाल साहित्य को प्रश्रय दे सकते हैं जी। बिल्कुल, और आपके छत्र छाया में तो बहुत सारे लोग काम करेंगे। सर आप निजी जीवन में कैंसर से जूझे पर और आप उससे उभर के आए, ईश्वर की बहुत कृपा है, और आपकी अपनी मेहनत और सही जीवन यापन की विधि रही कि आप निकल के आए। पर मुझे पता चला कि आपने 4 साल में उसके बाद 5 किताबें लिखी है, कैसे अपनी ऊर्जा को संचलित, मतलब आपने सही तरीके से आगे बढ़ाया, क्योंकि आजकल के जीवन में परेशानियां, बीमारियां, ये सब हमारे रचनात्मकता को रोक देती हैं, धीमा कर देती हैं, तो आप बहुत बड़ी प्रेरणा है इस माध्यम। मैंने शैलजा जी, चूंकि मैं बिल्कुल मृत्यु के कगार पर था और डॉक्टरों ने मना कर दिया था, मुझे बाद में बताया तो परिवार में मेरी बेटियों को भी कह दिया था, और वो है ही जाहिर है कि जब परिवार में किसी कोई व्यक्ति लग रहा कि छूट जाएगा हमसे, अधिक दिन नहीं रहेगा, तो उसके बारे में चिंता होती है। और कैंसर जैसी बीमारी का नाम ही ऐसा है कि लोग एकदम भयभीत हो जाते हैं, किंतु मैं भयभीत नहीं हुआ। मैंने उस बीमारी को ऐसे लिया जैसे निमोनिया हो जाता है, हैजा हो जाता है, उसी उससे ज्यादा नहीं लिया और उसके बारे में सोचा नहीं। कुछ बचपन से भी मैं थोड़ा धैर्य अधिक रखता हूँ, सहन शक्ति कुछ है जो मैं, उसका भी प्रभाव हो सकता है। दूसरा एक प्रभाव आपको और बताऊं कि जब मैं कॉलेज में, कॉलेज के दिनों में हमने आनंद फिल्म देखी थी, आनंद जी, में जी, हाँ, जो नायक है उसको कैंसर होता है जी, तो मुझे लगता था कि अगर कभी मुझे ऐसा हुआ तो मैं भी इसी तरह से उससे उसको लड़ूंगा।
वैसा होता ना, प्रभाव एक पड़ जाता आप जो, है जी, क्योंकि फिल्मों का प्रभाव बहुत होता है, उपन्यासों का बहुत होता है। हाँ, तो आप जब जैसे हम अज्ञेय को पढ़ते थे तो हम सोचते थे कि हम ये होंगे गुनाहों के, देखता पढ़ा तो लगा कि चंद्र अगर हम होंगे तो हमें भी एक सुधा चाहिए और जब अज्ञेय को पढ़ा मैच्योरिटी ज्यादा आई तो हम रेखा और उसके बारे में सोचने लगे, ये आप जानते उसका असर होता है, तो वो असर भी होगा। पर तो मैंने उसको वैसे नहीं लिया, और जब मुझे पता भी चल गया कि जो पीएससी लेवल 4 से अधिक नहीं होना चाहिए और 200 के बाद उसे काफी खतरनाक बताते हैं, तो मेरा वो 365 था। तो जब मैं खतरे की स्थिति मैं जब और 2012 से लेकर के 14 तक उन 2 साल में मुझे जो कैंसर से पहले की जो चीजें होती हैं जिसकी पूरी पिट्ठिका बन रही थी उसका आभास हो रहा था, कभी पैर उतर गया, कभी कंधा उतर गया, कभी दांत में भयानक दर्द हुआ, कभी गले में कोई तत्व उभरने लगा, कभी आवाज बंद होने लगी, कभी अचानक बहुत पसीना आया, कभी अचानक बहुत ठंड लग रही, ऐसी अजीब सी चीजें होती थी जो मुझे समझनी चाहिए थी। ये मेरी अनभिज्ञता ही कहूंगा कि मैंने वो चिकित्सा के बारे में उतना कुछ पत्रिकाओं में भी आता कभी होता। हाँ हमने देखा नहीं कि मैं उसको हम चेक करते रहते जी। पर ठीक है, वो मैंने डॉक्टर से जब उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं, और तो मैंने कहा कि डॉक्टर मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ। एक तो ये बताइए कि मेरा जीवन आप कितना ग्रांट करते हैं, कितने ग्रांट तो नहीं करता, वो तो गारंटी ईश्वर ही दे सकता है, लेकिन क्या है कि 18 महीने तक इसका असर होता है, फिर दोबारा उभरता है, तो 18 महीने तो श्योर है, आपको क्या करना है। मैंने कहा कि मैं एक बायोपिक उपन्यास लिख रहा था आचार्य तुलसी जीवनी पर, जी हाँ रेतीले टीले का राज, हाँ जी, तो उस समय वो मैंने उसे कुछ चैप्टर लिखे थे, तो मैं उसको पूर्ण करना चाहता हूँ कि कम से कम मैं उसे पूर्ण कर दूं। जी। तो फिर मैंने स्वस्थ होते ही, हालांकि पूर्णतः स्वस्थ तो इसको नहीं कहा जाता क्योंकि दवाइयां अभी भी चल रही हैं बहुत महंगी महंगी, और वो ओरल कीमो के रूप में अभी भी मुझे दी जाती हैं। तो मैंने वो उपन्यास उसको पूरा किया, जैसे पूरा किया तो मैंने देखा कि अभी तो मैं जीवित हूँ, तो मैं अच्छी तरह जीवित हो जाऊं। तो मैंने फिर शब्दों के झरोखे से एक पुस्तक लिखी, अपने निबंधों की कुछ नए लिखे, कुछ पुराने उसमें जोड़े, और फिर नव साहित्य की भूमिका बहुत जो मन में बहुत दिनों से चल रहा था फिर उसको लिखा, तो फिर कुछ और मैंने संकलन बनाया, फिर मैंने अमेरिकी प्याले में भारतीय चाय एक व्यंग संकलन भी तैयार किया। वाह, वाह। तो इस तरह से वो 5-6 पुस्तकें उसके बाद मैंने लिखी 4 साल के अंदर। हाँ बल्कि हाँ 4 साल के अंतराल में। सर सचमुच में आपको इस बात के लिए बहुत प्रणाम, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हम लोग सभी कितनी समय पर हमारी जो ऊर्जा है वो 7 देना जरा हमारा कम कर देती है, और ऐसे समय पे आपकी जो ये बात है, आपने जिस साहस के साथ धैर्य के साथ इस चीज को झेला और आगे बढ़े, रचनात्मकता को नहीं छोड़ा आपने, वो चीज बहुत ही बड़ी है और बहुत ही प्रेरणा देने वाली है। तो मुझे पूरी उम्मीद है दर्शक इससे जुड़ेंगे। नहीं, आपका धन्यवाद। उसमें के जो आप जैसे युवा शिष्य और शिष्याएं है ना, उनसे जो ऊर्जा मिलती है है ना, हम लोग हर पीढ़ी से सीखते हैं। मैंने अपने जीवन में जो नई पीढ़ी उससे बहुत सीखा, विद्यार्थियों से सीखा, अपने बुजुर्गों से तो सीखा ही, दोस्तों से भी सीखा, तो उसमें ऊर्जा भी मैं लेता रहा शुभकामनाओं के रूप में, बुजुर्गों के आशीर्वाद के रूप में। जी, और बाकी ठीक है, संकल्प हो तो हम कर सकते हैं। मुझे एक दिन डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर नवल आपको ध्यान है, आपने मेरे से 18 महीने की बात की थी। मैंने कहा हाँ जी, कहते आज 3 साल हो गए हैं। तो फिर दोबारा से उन्होंने आपको बहुत लंबी उम्र दे सर, और आप खूब बराबर से काम करते रहे। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने किसी भी एक व्यंग का थोड़ा सा कुछ हिस्सा पढ़ करके हमारे दर्शकों के लिए बताएं, और सर को अगर आप लोग विकिपीडिया पे जाकर देखेंगे तो वहां पर भी सर का नाम है, और बहुत सारी किताबों की जो प्रस्तुति और विक्रण जो है, उसका विक्रय जो है वो वहाँ पर इंटरनेट पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। जी, सही कह रही हूँ। व्यंग के बारे में पूछना चाहिए। हाँ, मैं व्यंग के बारे में ये पूछ रही थी। एक तो ये कि जो व्यंजना से हम जो लिखते हैं आजकल, जिस प्रकार के व्यंग लिखे जा रहे हैं, हम हरिशंकर पारसाई जी से शुरुआत करते हैं, उनको प्रणाम करते हुए, लेकिन आपके व्यंग बहुत ही सरल भाषा में, सुंदर भाषा में आज की स्थिति पर टिप्पणी करते हैं, तो
वैसे तो कहें तो व्यंग हर जगह जीवन में जहाँ व्यक्ति ढूंढ ले वहाँ वहाँ आपको वो व्यंग मिल जाएगा, लेकिन आपके मुख्य विषय क्या रहते हैं और फिर अपने पसंद का कोई व्यंग आप बताएं? क्या कि सारी चीजें तो जब भी हम लिखते हैं तो जीवन के आसपास ही होती हैं या जिनको हमने भोगा होता है या जाना होता है। दूसरे के दुख को भी अगर अपना समझ के हमने उसको आत्मसात किया होता है तो हम उस चरित्र सृष्टि करके और एक कथा बोध बना सकते हैं। तो आसपास से लेते हैं, जैसे मैं छात्रों के साथ बहुत रहा अध्यापक के रूप में जी। या संयुक्त परिवार में रहा, एक ऐसे शहर में रहा जहाँ बहुत ज्यादा प्रदूषण है, मानसिक भी और भौगोलिक भी। और नई दिल्ली, हाँ, दिल्ली चढ़ी पहाड़ मेरी एक रचना जी, 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 जी। क्या है वो कटरा वगैरह जो है पुरानी दिल्ली? मैं पुरानी दिल्ली में रहा, बचपन पुरानी दिल्ली में बीता, चांदनी चौक में रहते थे, तो वो जीवन थोड़ा अलग था। फिर नई दिल्ली में भी रहे, पश्चिम बिहार में रहता हूँ, थोड़ा सा जीवन अलग है। मैं NDTV में और जब इंडिया टुडे में जाता था सलाहकार के रूप में, तो वो पॉश इलाके जहाँ जहाँ अलग अलग, तो हर जगह की भाषा, हर जगह का आचरण अलग अलग है। जो शादरा में है वो ग्रेटर कैलाश में नहीं है जी। है ना, जो ग्रेटर कैलाश में है वो चांदनी चौक में नहीं है जी। तो मैं वो सारी चीजें देखी, तो मैंने ये पाया कि ऑब्जर्वेशन जो है ना वो ऐसी चीज है कि लेखक का अगर ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, वो सूक्ष्म पर्यवेक्षण कर सकता है, तो वो कैट स्कैन अगर कर सकता है एक्सरे की बजाय, तो वो ज्यादा पाठकों के समीप जाता है जी। तो अब पता नहीं, कोई मुझे तो हमेशा ये लगा कि जब भी कोई चीज, जब किसी ने बहुत तारीफ की कि आपने बहुत अच्छा लिखा, या जब मुझे बागपति खरबूजे ज्ञानपीठ मिला, ये होता है तो, सर कि जब मैं बैठती हूँ लेखक के साथ में, उनके व्यक्तित्व के बारे में सोचते सोचते उनके लेखन में इतना डूब जाती हूँ कि मैं प्राय अपने पाठकों को और अपने दर्शकों को उनके सम्मानों के बारे में बताना भूल जाती हूँ। नहीं, उन्हें आपने बुलाया, मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान है। नहीं नहीं सर, आपको बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं, और पहला तो बागपत के खरबूजे युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसके बाद आपको अनेक पुरस्कार मिले हैं, और लंबी एक परंपरा है, पंत जी का पुरस्कार भी आपको, पंत स्मार्क का जो पुरस्कार मिला है, बहुत सारे पुरस्कार हैं। मैं उन सब की छवियां जो हैं वो अपने कार्यक्रम के शुरू में डालूंगी ताकि बातचीत अभी चलती रहे। नहीं, मैं तो उस प्रसंग वश कह रहा था कि जी, जी। मैं भूल गया क्या कह रहा था। आप कह रहे थे कि बागपत के खरबूजे पर जो आपको पुरस्कार मिला था। हाँ, नहीं, हम जो बात कर रहे थे ना इसमें पर्यवेक्षण वाली, जी जी। तो अब चूंकि जब देश भर से 48 जो रचनाएं आई थी उसमें प्रविष्टियों के रूप में जी। और जहाँ पर शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल जैसे निर्णायक थे मौजूद, जो दिग्गज हैं हिंदी व्यंग के, तो उन्होंने उसको देखा, तो उसमें उन्होंने भी यही कहा कि जो शालीनता और सूक्ष्म पर्यवेक्षण, ये चीजें हरीश में हमने देखी इनके लेखन में जी। तो वो चीज मुझे लगा कि हाँ, एक ऐसी थी जो बनाती। दूसरा बात कि मुझे ये मैं जानता हूँ कि कहानी का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। आप तो खुद कथा लेखिक हैं, अब देखते हैं कि निबंध का भी प्रभाव होता है, पर वो कुछ थोड़ा सा अकादमिक होता है जी। और जो कहानी या कविता का प्रभाव जो होता है वो भावनात्मक होता है और अकादमिक भी होता है। वो अकादमिक होते दोनों सारे, पर ज्यादा मात्रा उसकी होती है। तो उसमें कथा का रूप मैंने चुना। हम निबंध के रूप में भी व्यंग लिख सकते हैं, कहानी के रूप में लिख सकते हैं, हम सिंहासन 32, वेताल 25, किसी भी शैली में लिख सकते हैं। व्यंग के लिए जितनी अधिक शैलियां इतनी किसी भी विधा के लिए नहीं है। तो इसलिए वो बहुत अच्छा, तो मैंने उसमें से कथात्मकता का अंश मुझे सूट करता तो मैंने चुना, तो शायद उससे मैं पाठकों के ज्यादा करीब पहुंचा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब कहते हैं सब बागपत खरबूजे, आपकी टाइम्स ने सर्वे किया कि 20वीं शताब्दी की जो 100 सबसे अच्छी पुस्तकें उसमें से एक बागपत खरबूजे, तो मुझे लगा कि वो तो मैंने लिखी ही नहीं, ये तो कोई और लिख गया। जब भी कोई अच्छी रचना और लोग ज्यादा तारीफ करें तो मुझे ही लगता है कि वो मैंने नहीं लिखी थी। पर आपके हाफ लाइनर्स सर, अब तो वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं फेसबुक पर, और ऐसे धन्यवाद आपका। ये मैंने सोचा कि वन लाइनर हम लोग लिखते हैं तो आजकल समय का अभाव है,
और लोग जो हैं वो जिसे पहले ट्रेन लिटरेचर कहते थे वो मेट्रो लिटरेचर हो गया है जी। कि चलते फिरते वो पढ़ना चाहते हैं, वो अखबार भी पूरा नहीं पढ़ सकते, उसके लिए उनको छोटे अखबार चाहिए, टेबलेट्स चाहिए जी, जी। तो उसमें वन लाइनर की बजाय मैंने सोचा कि हाफ लाइनर लिखते हैं कि आप अपनी बात 15-20 लाइनों में कर दीजिए, वन लाइनर लिख लिए, मान लीजिए 100-150 ऐसे लिखते हैं हम। तो वो मैंने लिखा, तो मैंने लिखा कि वो पाठकों ने पसंद किए, धन्यवाद आपने मेरा ध्यान दिलाया। नहीं जरूर सर, मैं दो चार पंक्तियां कहीं से भी जो बहुत कोई छोटा सा हिस्सा हो। क्या पहले मैं ये बताऊं, आप तो खैर जानती हैं, अब तो श्रोता, प्रबुद्ध श्रोता भी ये समझते हैं कि हास्य, विनोद, उपहास, परिहास और व्यंग, इन सब में अंतर है जी। और व्यंग जो है वो करुणा के अधिक निकट होता है, और जो हास्य, विनोद इत्यादि है वो निर्मल आनंद की तरफ अधिक प्रेरित करते हैं। तो रचना जो आपको करुणिक परिवेश में पहुंचा करके वहां तक पहुंचा दे जहां अंतर्मन की आखिरी कड़ी है, जिसको फिक्र तौसवी प्याज का आखिरी छिलका, आपको उसका उनका सम्मान भी मिल चुका है। हाँ, मुझे इनके नाम से आपको याद है सब जी। तो जैसे द्रवित होने का सुख, रोना सच्चे भारतीय की पहचान है, रोने के लिए द्रवित होना आवश्यक है, हम भारतीय बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं। एक युग था जब महावीर बुद्ध के प्रभाव से पत्थर हृदय भी पिघलने लगे थे, यह द्रवित आंदोलन निरंतर जारी है। इस अधुनातन युग में द्रवित होना अत्याधुनिक प्रवृत्ति है, मनुष्य की प्रगति इसके बिना कठिन और असंभव है। द्रवित होने का रूप बदल गया है, जो मनुष्य पहले किसी के रोने पर द्रवित होता था अब किसी के हंसने पर द्रवित होने की शक्ति रखता है। पहले करुणा की धारा अजस्त्र बहा करती थी, जातक किसी दुख को देखकर, दुखी को देखकर, किसी निर्धन की आह सुनकर करुणा के सागर में गोते लगाने लगता था, वह करुणा की धारा देगवती और बलवती होकर कलकल कर फूट पड़ती है। तब तब जब जातक किसी के पास संपन्नता देखकर या किसी को हर्ष की हिलोरे पाते देखता है, तब जातक अत्यंत उदार हृदय हो चुका है, तो वो उसको देख करके बहुत अधिक द्रवित होता है कि इसके पास इतना आनंद या इतना धन कैसे है। वह युग बीत गया जब अपने दुख से दुखी होता था, अब वह दूसरे के सुख से दुखी होता है। पड़ोसी का मकान एक मंजिल से दुमंजिले में परिवर्तित होता है, तो द्रवित होकर पहला मंजिल वाला पड़ोसी दहाड़े मारने लग जाता है। वाह 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 सर, बहुत बढ़िया। इस पहले पैराग्राफ से ही सारा एक हमको एक छवि मिल गई। बहुत अच्छा लग रहा है सर कि आपसे बातचीत हो रही है, और मन तो ये कर रहा है कि हर किताब को हाथ में उठाऊं और उस पर बात करूं, पर समय की थोड़ी सीमा है। जी जी जी, आप इतना कार्य करती हैं और इतना लोकप्रिय है आपका ये कार्यक्रम कि दुनिया भर में लोग देखते हैं। हमने तो अमेरिका में ये प्रोग्राम देखा कनाडा से आप, और मुझे वो छोटे बच्चों के साथ बातचीत करना बहुत अच्छा लगा, उन्होंने जो आपके नाती हैं दोनों। तो जैसे आपने जो पहला प्रश्न किया था जी, तो वो लोग चूंकि हिंदी बोलते हैं उनके साथ, हाँ, तो अमेरिका में वो हिंदी में बात करते हैं, तो कई लोग पूछते हैं कि वो ये बच्चे अंग्रेजी में कैसे बात कर रहे हैं। मैंने कैसे, क्योंकि वो भारत में नहीं है, भारत में होते हैं तो अंग्रेजी में बात करते हैं, वहाँ हिंदी में बात करते हैं, तो हमारे यहाँ उससे परहेज रखा जाता है। मैंने कई विद्यार्थियों को देखा कि वो हिंदी की किताब को नीचे रख देते हैं, अंग्रेजी के ऊपर रख देते हैं, जो पढ़ने भी नहीं जानते हो। ये तो ये जो है ये जो हीन भावना, स्टेटस सिंबल, स्टेटस सिंबल, आप उसको स्टेटस सिंबल कहते हैं। लोग सोचते हैं कि हम अगर अंग्रेजी बोलेंगे तो हम, तो ये हीन भावना है ना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल, हमें अपने बच्चों को, अपने परिवेश को, शिष्यों को इस हीन भावना से दूर करना चाहिए। सबसे पहले मेरी माँ है, मेरी गंगा है, मेरा हिमालय है, मेरा देश है, उसके बाद बाकी सब है। सब उसी तरह से प्रणम्य है, जैसे मेरी माँ, जैसे मेरा देश, जैसे मेरा हिमालय। तो ये भावना अगर हम बहुत करें, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि औदार्य, उदारता और विनम्रता दो चीजें ऐसी हैं जो हमें अगली पीढ़ी को जरूर देना चाहिए, उससे अनेक समस्याएं सुलझ जाएंगी। बहुत अच्छा लगा, और ये संदेश आपका लोगों तक पहुंचेगा, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हम अगली पीढ़ी को अपनी ये धरोहर देकर जाएं, उदारता और विनम्रता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका, फिर से बातचीत होगी। आपकी उदारता और आपकी विनम्रता आपको प्रणाम। और मैं अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने इस कड़ी को देखा। मुझे पूरी आशा है कि आप व्यंग की विधा से और अधिक जुड़ेंगे, उसमें लिखने का प्रयास करेंगे, और डॉक्टर हरीश नवल की अनेक किताबों के माध्यम से भी आप साहित्य के अनेक आयामों को खंगालेंगे।
उनके बताए हुए अभी जो दो सुंदर मूल्य आपने सुने उनको हम अपने जीवन में प्रयोग में लाएंगे। अगले कार्यक्रम के लिए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।